हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 12 एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले पार्ट्स को पढ़ लीजिए। यानी जो भी आपके प्रीवियस में चैप्टर दिए गए हैं उनको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। 199 रुपये में आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो भी PDF होगा वह प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हम मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराएंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही प्रिपरेशन कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, वह केमिकल सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड किया जाता है, यानी वह केमिकल सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेंड किया जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन ड्रग को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। यानी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेंड कर लिया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। और ये ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने का वर्क करती हैं, यानी इनहिबिट का मीन्स यानी रोकने का वर्क करती हैं, उनको किल करने का वर्क करती हैं, इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। और जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं ये टू टाइप की होती हैं, यानी जो ड्रग होती हैं ये टू टाइप की होती हैं। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल होती हैं और एक होती हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होती हैं? देखिए, ये डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का वर्क करती हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डायरेक्टली किल कर देती हैं ड्रग, जो आपकी बैक्टीरियोसाइडल वाली ड्रग होती हैं। और बैक्टीरियोस्टेटिक वाली ड्रग क्या करती हैं? जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, यानी उसकी और ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देती हैं, उसको रोकने का वर्क करती हैं। तो ये आपकी होती हैं बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी जो आपका एंटीबायोटिक है इसका क्या क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यानी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो आपका यानी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वह पेनिसिलिन थी, यानी जिसकी खोज 1829 में अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने की थी। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों, बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, यानी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर एंटीबायोटिक्स को यानी क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें आपकी पेनिसिलिन ड्रग आ जाती है, एमोक्सिसिलिन ड्रग आ जाती है, और अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन और उसके बाद जेंटामाइसिन, ये ड्रग आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जैसे आपके इरिथ्रोमाइसिन हो गया, कैलिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन, ये आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आती हैं। दोस्तों, आपको यानी क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है। जो भी यानी क्लासिफिकेशन में ड्रग दी गई होती हैं उनको बार बार यानी रफ कॉपी पर लिख कर देखना है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर फोर्थ क्लास है टेट्रासाइक्लिन्स, जिसमें आपकी डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग आती है, मोनोसाइक्लिन ड्रग आ जाती है, और पोलिन में नाइस्टेटिन हेमिसिन ड्रग आ जाती है। नाइट्रोबेंजीन जो क्लास है उसमें क्लोरम फेनिकोल ड्रग आती है, और मिसलेनियस एजेंट में रिफाम्पिन, क्लिंडामाइसिन आ जाती है, नियोमाइसिन और बेंकोमाइसिन, ये ड्रग इसके क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो दोस्तों, इसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और अपने दोस्तों को भेज दिया करो, जो दोस्त आपके हिंदी इंग्लिश मिक्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, यानी जो आपका यानी क्लासिफिकेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आप इसकी जो ड्रग होती हैं उनके एग्जांपल को पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल है एमोक्सिसिलिन और दूसरा है क्लोरम फेनिकोल। तो दोनों ड्रग को इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 12 जो आपका है पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है उसको कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों,
एमोक्सिसिलिन यानी एमोक्सिसिलिन को पेनिसिलिन से ड्राइव्ड किया जाता है, जिसका यूज़ इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। यानी हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है कोई, या माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, देखिए इसमें जो है एक बेंजीन रिंग बनाई है, उसमें हमने ग्रुप लगाया हुआ है HO, हाइड्रोजन ऑक्साइड का ग्रुप लगाया हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ एमीन ग्रुप ऐड है इसमें NH2, फिर दोबारा से सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, बाद में आपका डबल बॉन्ड के साथ ओ ऐड है इसमें स्ट्रक्चर में, और उसके बाद फिर आपका नाइट्रोजन ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ऐड है, और हाइड्रोजन ऐड होने के बाद आपका एक यानी 4 कॉलम की एक रिंग बनाई गई है, जिसमें आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर 5 मेंबर्ड रिंग बनी है जिसमें सल्फर लगा हुआ है, और इसमें आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और CO2H लगा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर आप बार बार बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या होता है, देखिए इसका केमिकल नेम थोड़ा सा यानी हमने 2 टाइप के केमिकल नेम लिखे हुए हैं। अगर आप फर्स्ट वाला याद करते हैं तब भी आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं, और इसके बाद सेकंड वाला याद करते हैं उसको भी आप एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे वो आप इसका जो है केमिकल नेम याद कर लेना। 6-2-amino-2-4-hydroxyphenyl एसिटाइल अमीनो 3,3-dimethyl 7-oxo-4-thia और 1-azo-3,2-0 हेप्टेन 2-carboxylic एसिड। तो दोस्तों ये आपका हो गया फर्स्ट नेम, और सेकंड नेम क्या है, 6 फिर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है अमीनो, फिर 2 ब्रैकेट में 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटाइल अमीनो और पेनिसिलेनिक एसिड लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये इसका हो गया सेकंड नेम। तो जो केमिकल नेम आपको आसानी से याद हो पाए आप उसको याद कर लेना। पहले आप स्ट्रक्चर को याद करेंगे बढ़िया से, आप बनाकर देखेंगे कॉपी पर, उसके बाद केमिकल नेम को अच्छे से याद कर लेंगे। ब्रांड नेम इसमें एमोक्सिल, ट्राइमोक्स और मोक्सटेग इसके ब्रांड नेम होते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सस्पेंशन की फॉर्म में आता है, टेबलेट की फॉर्म में भी ये ड्रग आती है, और स्टोरेज कंडीशन जिस प्रकार से आप प्रीवियस वाली ड्रग में लिख रहे हैं उसी प्रकार से इसमें भी आपको लिखनी होगी और अच्छे से उसको बताना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, मॉइस्चर एंड हीट से प्रोटेक्ट करके रखना है, और थेरापेटिक यूजेस क्या हैं इसके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, और किसी प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है उसको यानी किल करने के लिए यानी इसका यूज़ किया जाता है, फीवर को ट्रीट करने में, स्किन इन्फेक्शन में, स्टोमच अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका यूज़ जो है सभी डिसीजेज में किया जाता है, सभी मेडिसिन के साथ इनका यूज़ कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये इनके हो गए थेरापेटिक यूजेस। फिर बात करते हैं क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल आपकी ड्रग जो होती है यह बैक्टीरियो स्टेटिक एंटीबायोटिक होती है, यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल करने का वर्क नहीं करती है, लेकिन उसकी ग्रोथ को इनबिट करने का वर्क करती है ड्रग, और जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमने लगाया हुआ है, देखिए आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, साथ में उसमें NO2 लगा हुआ है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन ऐड है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऐड किया है इसमें, और दूसरा कार्बन जो लगा हुआ है उसमें हाइड्रोजन ऐड है आपका, और उसके बाद NHCOCHCH2 लगा हुआ है, और साथ में CH2OH लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल आपको रटना है स्ट्रक्चर को। देखिए दोस्तों जो भी आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको आप जब तक रफ कॉपी पर बार बार नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं होंगे, तो आपको बार बार बनाकर देखना, उनको अच्छे से याद कर लेना है। और क्लोरामफेनिकोल का यानी केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है, देखिए 2,2-dichloro(N)-1,3-dihydroxy(1,4)-nitrophenyl और उसके बाद propentoyl acetamide, ये इसका होता है केमिकल नेम। और इसका ब्रांड नेम क्या लिखा हुआ है, इसमें एक ही ब्रांड नेम लिखा हुआ है क्लोरोमाइसिटीन, तो ये इसका हो गया ब्रांड नेम। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पाउडर फॉर सॉल्यूशन, यानी जो पाउडर के फॉर्म में आती है,
और उसके बाद कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में ये ड्रग आती है क्लोरामफेनिकोल। स्टोरेज कंडीशन और थेरापेटिक यूजेस इसके क्या लिखे हुए हैं, यानी इसको बेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखना है, यह इसकी हो गई स्टोरेज कंडीशन। और थेरापेटिक यूजेस क्या हो गए, यानी फीवर को ट्रीट करने में, आई इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, और एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जो आपकी क्लोरामफेनिकोल ड्रग होती है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 में जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमने कवर किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। जितना कंटेंट आपको हमने पढ़ाया है, इतना आपका एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, इतना पढ़कर आप अच्छे से एग्ज़ाम को डिफाइन कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।